ऐसा लगता है कि चाइना और भारत की फौज के दरमियान सर्दियों में जंग हो जाएगी, क्योंकि चाइना ने कल, मैंने आपको बताया कि S-400 मिसाइल सिस्टम तैनात कर दिया। आज खबर आ रही है कि चाइना ने 100 से ज्यादा एडवांस रॉकेट लॉन्चर LSC के ऊपर तैनात कर दिए हैं। नाजरीन इकरामी, इसके अलावा चाइना ने बहुत सारे और भी वेपन्स तैनात किए हैं, और जिसकी वजह से भारत काफी परेशान है। चाइना ने 155 मिलीमीटर कैलिबर की PCL-181 हिटसर भी तैनात की है, जिससे भारत के होशो हवास उड़ गए हैं। भारत ने भी K-9 हिटसर नाम की एक टैंक है, उसकी पूरी रेजिमेंट LSC के ऊपर तैनात कर दी है, ताकि चाइना के किसी भी मुमकिन हमले को रोका जा सके। चाइना ने बहुत सारी और भी जो है वो डेवलपमेंट्स की हैं बॉर्डर के ऊपर, जैसे M777 अल्ट्रा लाइट हिटसर चाइना ने तैनात कर दी है। इसके अलावा PHL-09 मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर तैनात कर दिए हैं, और बहुत सारे और PCL टाइप की 191 रॉकेट लॉन्चर वहां पर मौजूद है। बहुत सारी चीजें चाइना ने तैनात की हैं, जिसकी वजह से भारत खिलबिला उठा है, भारत के अंदर खलबली मची हुई है। बहरहाल आपको ये बता दें कि ये सर्दियां जो है ये चाइना और भारत की फौज के लिए LSC के ऊपर अच्छी नहीं रहेंगी। और जो मामला उत्तराखंड से शुरू हुआ था वो अरुणाचल प्रदेश के अंदर आया, चाइना ने वहां पर कब्जा किया, वहां पर अपने बेसिस बनाए, अब मामला जो है हथियारों की होड़ की तरफ चले गए हैं। तमाम तर चीजें आज की इस वीडियो में डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा YouTube चैनल हसना टीवी को सब्सक्राइब करके पास मौजूद घंटे के निशान को दबा लें, ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक पर वक्त पहुंचती रहे। सबसे पहले तो हम आपको ये बता दें कि चाइना ने 100 एडवांस रॉकेट लॉन्चर भारत के बॉर्डर के ऊपर तैनात कर दिए हैं। नाज़रीन इकरामी, इसके अलावा चाइना ने 155 मिलीमीटर कैलिबर की PCL-181 सेल्फ प्रोपेल्ड हिटसर तैनात कर दिए हैं। इसके अलावा चाइना ने और भी बहुत सारी डिप्लॉयमेंट की है, जरा उसके बारे में आपको बता दें कि आर्मी की जो चाइनीज आर्मी की रेजिमेंट है उनको उनकी तादाद बढ़ा दी गई है। इसके अलावा चाइना ने 10 यूनिट्स PHL-03 मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर लद्दाख के ऊपर तैनात कर दिए हैं। आपको ये बता दें कि PHL-03 मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर जो है वो अपने साथ 3 क्रू मेंबर लेकर चलता है, और इसकी जो डिस्टेंस या इसकी रफ्तार है वो 650 किलोमीटर है। इस पर जो रॉकेट लगते हैं वो 12 मीटर लंबे होते हैं, जो कि 60 किलोमीटर पर आर की स्पीड से चलते हैं। अगर हम बात करें चाइना की, तो चाइना ने टाइप PCL-191 रॉकेट लॉन्चर भी बॉर्डर के ऊपर तैनात कर दिए हैं। चाइना की ये टाइप PCL जो है ये एक वक्त में 370 रॉकेट दागने की सलाहियत रखती है, और इसकी रेंज जो है वो 350 किलोमीटर है। आपको ये बता दें कि चाइना ने PCL-191 रॉकेट लॉन्चर का जो दुनिया को एयर शो भी कराया था अपनी चाइना नेशनल परेड के ऊपर 1 अक्टूबर को, तो दुनिया वाले काफी हैरान रह गए थे। नाजरीन ग्रामी, भारत ने भी दूसरी जानब कुछ तैनातियां की है। K-9 हिटसर नाम की एक भारत की जो टैंक है उनको, पूरी रेजिमेंट को लद्दाख बॉर्डर के ऊपर तैनात कर दिया है। और आपको ये भी बता दें कि भारत ने ये अपनी फौज को क्लियर कट हुक्म दिया है कि अगर चाइना की तरफ से कोई एग्रेशन आए तो चाइना के ऊपर हमला किया जाए। फिलहाल के लिए आपको ये बता दें कि चाइना ने जो भारत की घेराबंदी की है, इससे भारत की फौज के होश उड़ गए हैं। भारत को समझ नहीं आ रहा कि चाइना को किस तरह कंटेन किया जाए। भारत के पास इतना असला रुपया पैसा नहीं है कि चाइना को सिर्फ एक फ्रंट के ऊपर काबू कर सके।